सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और इस लिंक को दबाइए, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं और आप मेरे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं। तो इस ग्रुप पे मैं आपको बताऊंगा जब भी मार्केट ओपन होगा, मार्केट आवर्स के अंदर मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जिस पे आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। तो अभी आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं करा है तो अभी जाकर डाउनलोड करिए और इस लिंक को दबा के मेरे चैनल पर तुरंत ऐड हो जाइए। अभी कुल 1000 पीपल्स ऐड हो चुके हैं और भी ऐड हो जाएंगे तो आपको शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूँ आपका दोस्त शिवाज वसीम। तो आज हम बात करेंगे कि 21 मई को निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें क्या करके चलना है, ऊपर के लेवल्स दिखेंगे कि या नीचे में ही डाउन साइड वो दिखाते रहेगा, कौन से स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं जब मंडे को मार्केट ओपन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बैड न्यूज बताना चाहूंगा जो भी हुई है अभी रिसेंट आज दिन के अंदर। तो वो आपको मैं अगर बताऊं तो हमने देखा था कि सब आप जानते थे कि मेजोरिटी सीट जो मिल रही थी बीजेपी को मिल रही थी 104 मिली थी। पर मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, कर्नाटका इलेक्शन की पूरी एनालिसिस वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमें सीट चाहिए होती है वो 112 मिनिमम सीट चाहिए होती है एक पार्टी को सत्ता में आने के लिए। तो हमने देखा था कि वहां पर वो नहीं आ पाई थी, 104 सीट्स मिली थी। तो अगर कोई ऐसी मेजोरिटी, अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट होती है जो नहीं आ पाती है तो उस कोलैबोरेशन करके अगर कोई दो पार्टी कोलैब कर ले और वहां पर उनकी जो सीट्स है वो 112 से ऊपर या 112 होती है तो वो गवर्नमेंट वहां पर बना सकती है। तो वही हुआ। तो हमने देखा था कि गवर्नर जो वहां का कर्नाटका का गवर्नर था वहां उसने बीजेपी को चांस दिया कि हाँ अब तुम प्रूफ करो कि तुम्हारे पास 112 सीटें हैं कि नहीं है, या तुम्हारे पास जो भी नेता हैं वो 112 सीटों को पूरा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हमने बहुत सी ऐसी चीजें आते हुए देखी कि बीजेपी वहां पर पैसे खिला रही है कांग्रेस की नेताओं को कि हमें अपने वोट दे दो, आप हमारी वहां पर आ जाओ। तो 100 करोड़ का दावा भी करा था कि रिश्वत देने की बात हो रही थी। तो अब अभी जब रिपोर्ट आई है पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि कर्नाटका में बीजेपी की सरकार हार चुकी है और जेडीएस और कांग्रेस के साथ मिलके वहां पर उन्होंने सरकार बना ली है। अब वहां का जो गवर्नर है, वहां पर जो कुमार स्वामी है जेडीएस का जो नेता था, अब वो वहां का न्याय गवर्नर बनने जा रहा है कर्नाटका का। तो हम कह सकते हैं बहुमत से जो जीता है वो जेडीएस ही वहां की गवर्नमेंट बन चुकी है, पर वो उसके साथ मिल गई है कांग्रेस के साथ 5 साल के लिए। तो अब उसका और कांग्रेस दोनों का साथ बन चुका है। तो अब हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से वहां से बीजेपी हट चुकी है कर्नाटका से, और इसकी वजह से हम मार्केट में और डाउनसाइड आते हुए देखने को मिल सकती है। हमने देखा था कि मार्केट को कोई बहाना चाहिए था क्योंकि हम देख रहे थे कि मार्केट इतने टाइम से ऊपर बढ़ रही थी, जब उसने 9950 का लो बनाया था उसके बाद से हम ऊपर के लेवल्स बनते हुए देख रहे थे और मार्केट को एक डाउनसाइड के लिए कोई नेगेटिव न्यूज चाहिए थी जो उसे मिल गई थी कर्नाटका के टाइम में। अब उसे मिल गई है तो वो और लोअर लेवल्स बनाएगा और अपने आसपास की तरफ बढ़ सकता है। तो कौन से लेवल्स तक वो जा सकता है, क्या उसका ट्रिगर प्राइस हो सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ चार्ट्स शो करके कि आपको मैं बताऊंगा कि कितनी डाउनसाइड और अपसाइड बाकी है इस निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। पहले 5 स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको 17 मई को जो स्टॉक सजेस्ट करे थे 5, जिसमें मैंने आपको यस बैंक, आईबी वेंचर, इंफोसिस, एचडीएफसी, ये 4 स्टॉक्स सेल करने की सलाह दी थी और स्कॉट्स बाय करने की सलाह दी थी। स्कॉट्स में हमें दोनों टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाए थे और एचडीएफसी जो आउट परफॉर्म स्टॉक हो गया था वहां पर, तो मार्केट के अंदर ही मुझे इतने सारे कॉल्स आ गए थे कि सर हमें बहुत सा प्रॉफिट हो रहा है एचडीएफसी के अंदर, तो हम रुके या वहां से एग्जिट कर ले। तो मैंने बोला था कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके वहां पर अपनी अगले दिन की भी एक होल्डिंग बना के रख सकते हैं और वहां पर आप इसे अपने बना के रख सकते हैं आप अगले दिन मार्केट के लिए भी, या फिर अगर आप वहां से एग्जिट कर चुके हैं तो वापस एक बीटीएसटी का ट्रेड उसे बना सकते हैं। तो हमने देखा था कि वहां से हमने 20 तक के डाउनसाइड और आते हुए देखी मार्केट के अंदर, पर अब एचडीएफसी में जो लोज बन सकते हैं वो सिर्फ 10 से 12 पॉइंट्स तक के नीचे और बन सकते हैं, उसके बाद हम एक अपसाइड आते हुए देख सकते हैं। तो अगर अभी आप लोग एचडीएफसी के अंदर है तो वहां से थोड़ी डाउनसाइड मिलती है तो आप वहां से निकल जाइए, मैं आपको निकलने की सलाह दूंगा। तो अब ये 5 स्टॉक्स, ये सारे के सारे हमें टारगेट्स दोनों के दोनों अचीव होते हुए दिख गए, हम
आईबी वेंचर की बात करें तो हमें आईबी वेंचर का सबसे पहले स्टॉप लॉस हिट होते हुए देखा, फिर वहां से हमें टारगेट हिट होते हुए देखे। अगर हम उसका लॉस भी मान ले तो हमें एक लॉस हुआ और चार के चार प्रॉफिट ट्रेड गए। तो अब मार्केट जब 21st को खुलेगा तो कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं वो भी आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ, तो इसमें ध्यान से देखिएगा। स्ट्राइक सैचुन, एक्सिस बैंक, साउथ इंडियन बैंक, जेट एयरवेज और HDFC बैंक। तो स्ट्राइक सैचुन सेल करने की सलाह दी जाएगी 381-374 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 395 का लगा के चलना है। एक्सिस बैंक शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी 528-522 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 538 का लगा के चलना है। मैं आपको एक्सिस बैंक का चार्ट दिखाने वाला हूं, बहुत जरूरी है अगर आपको ये ट्रेड लेने एक्सिस बैंक के अंदर, तो सबसे पहले आपको चार्ट को देखना पड़ेगा एक्सिस बैंक के अंदर, क्योंकि एक बहुत स्पेसिफिक चार्ट है वो आप अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या ट्रेड बनना है। ये आपको मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, शायद आपको मैं इसमें बाय करने की भी सलाह दे दूं, तो आपको चार्ट एक्सिस बैंक का जरूर देखना है जो मैं आपको अभी इस वीडियो के आखिरी में दिखाने वाला हूँ। साउथ इंडियन बैंक शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी 25.10-24.60 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 26.20 का लगा के चलना होगा। जेट एयरवेज शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी 412-407 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 424 का लगा के चलना है। HDFC बैंक शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी 2005-1995 तक के टारगेट हमें एक्सपेक्ट हो सकते हैं HDFC बैंक के अंदर, स्टॉप लॉस आपको 20919 का लगा के चलना है। HDFC का भी आपको मैं, बैंक का भी आपको मैं चार्ट शो करने वाला हूं, उसको भी ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, तो हम देख रहे हैं कि विक्स बहुत बढ़ चुका है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो चुकी है। जिस तरीके से हम देख रहे थे कि मार्केट अपने एक सपोर्ट को स्ट्रांगली होल्ड करके रख रही थी पर उसे होल्ड करके नहीं रख पाई और हमने मार्केट में आते हुए करेक्शन आते हुए देख लिया, तो अब हम कह सकते हैं कि वहां से और डाउनसाइड बन सकती है। तो आप क्लोजली फॉलो करिए जो भी मैं आपको मैं चार्ट्स में बताने वाला हूं। तो सेल करने की सलाह दी जाएगी 10,570-10,470 तक के भी हमें टारगेट्स एक्सपेक्ट हो सकते हैं आने वाले इस वीक के अंदर, तो स्टॉप लॉस आपको 10,670 का लगा के चलना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें 25,650 के टारगेट्स के साथ, स्टॉप लॉस आपको 26,100 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अब आप बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको चार्ट शो कर रहा होगा, यहाँ पर मैंने आपके लिए ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी कि इस सपोर्ट लेवल को वो जब तक होल्ड करके रखेगा हम कह सकते हैं कि वहां से अपसाइड बाकी आ सकती है। तो हमने देखा जैसे ही इस सपोर्ट के ऊपर वो निकला, सिर्फ उसने 2 दिन ही ऊपर ट्रेड करा, वहां से हम फिर एक बाउंस बैक आते हुए देखने को मिल गया। तो 61.8 जो रिट्रेसमेंट लेवल था वो उसे होल्ड नहीं कर पाया और वहां से हमने डाउनसाइड आते हुए देख लिए, तो ये डाउनसाइड इसे 560 तक के लेवल्स में लेकर जा सकती है। आपको मैं फ्यूचर्स के लेवल्स बता रहा हूँ, और अगर और डाउनसाइड में जाए तो हम 400 तक के लेवल्स भी निफ्टी के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले एक हफ्ते के अंदर। अगर हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं एक बिल्कुल रिवर्सल पैटर्न बनते हुए हमें देखने को मिला। 50% का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट था उसे होल्ड नहीं कर पाया और वहां से हमने इसमें डाउनसाइड आते हुए देखी, तो अब इसकी जो डाउनसाइड है वो 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल्स तक जा सकती है, तो वहां तक का आपको टारगेट मिल चुका है। स्टॉप लॉस आपको 50% के रिट्रेसमेंट लेवल में लगा के चलना चाहिए। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था एक्सिस बैंक का चार्ट हमें जरूरी देखना होगा, मैंने आपको शॉर्ट की सलाह दी है, पर आप देख सकते हैं डेली चार्ट में ये इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है यहाँ पर, जो इसने लो बनाया था 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, वहीं पर ही 200 और 100 DMA का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से अगर हम बाउंस बैक देखने को मिलता है अगर एक्सिस बैंक के अंदर, तो एक्सिस बैंक का बाउंस बैक हमें और ऊपर के लेवल्स लेकर आते हुए दिखा सकता है। अगर मार्केट नीचे जाती है और एक्सिस बैंक वहां से गिरना शुरू होता है तो हम वहां से जो 520 या 500 तक के लेवल्स भी एक्सिस बैंक के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर जिस तरीके से इसने सपोर्ट लिया हम कह सकते हैं यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। तो अगर आपको एक्सिस बैंक थोड़ी ऊपर में मिलता है तो आप वहां से बाय कर सकते हैं, और ऊपर के बाद आपको मैं मार्केट ट्रेड के अंदर ही, मार्केट आवर्स के अंदर ही बता दूंगा कि आपको एक्सिस बैंक के अंदर क्या ट्रेड लेकर चलना है अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो अगर हम HDFC बैंक के अंदर बढ़े तो HDFC बैंक के अंदर आप देख सकते हैं उसने एक स्ट्रांग यहाँ पर अपना रेजिस्टेंस बनाया और वहां से हमने गिरावट आते हुए देखी। अब ये गिरावट इसे इस पिवट पॉइंट के सपोर्ट तक लेकर आ सकती है जो कि है 1995 तक के अंदर। तो अगर यहां तक का मैंने आपको कल के लिए टारगेट दिया, अगर इसे ब्रीच करता है या नीचे की ओर जाता है तो हम और लोअर लेवल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की पूरी एनालिसिस बता दी है। कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कर्नाटका इलेक्शन में बीजेपी हार चुकी है और कांग्रेस और जेडीएस का जो गठबंधन था वो अब अपनी सरकार बनाने जा रहा है, तो उस वजह से भी हम मार्केट में करेक्शन आते हुए देख सकते हैं। तो ये अगर आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो इसको लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा जिससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप हर दिन पा पाएंगे।
तो मैं शिवांश बसीन मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।